हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आप सभी अच्छे ही होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। अब मैं जा रही हूँ भूखानाथ मंदिर लखीमपुर। ये मंदिर हमारे घर के पास में ही है, थोड़ी ही दूर पे मेला मैदान में है। ये मंदिर लखीमपुर खीरी के मेला मैदान में स्थित है और मेरा घर इधर पलिया बस स्टॉप के पास में है, तो वहाँ से हम लोग पैदल भी चले जाते हैं, बट आज बाबू था ना, तो इस वजह से हम लोग ऑटो से जा रहे हैं। 2 मिनट लगते हैं, मंदिर पहुँच जाते हैं। बस देखो अभी हम पहुँच रहे हैं, जस्ट पहुँच गए मंदिर। ये है मंदिर का बाहर का गेट, देखिए यहाँ से कितना सुंदर लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। हम लोग फूल वगैरह ले लें, प्रसाद वगैरह ले लिया है। जय भोले, ओम नमः शिवाय। यह मंदिर त्रेता युग में श्री कृष्ण ने स्थापित किया था और यहाँ इस मंदिर ये ऊंचाई पे स्थित है, क्योंकि ऊंचाई पे ही शिवलिंग मिली थी, इस वजह से यहाँ के राजा ने इसको ऊंचे पे ही बनवा दिया था। मंदिर को यहाँ के भोले बाबा बहुत ही सच्चे हैं, जो भक्त सच्चे दिल से आते हैं उनकी मुरादें जरूर पूरी होती हैं। तो आइए दर्शन करिए भोले बाबा के, देखिए कितने सारे बने हैं, सभी देखो मेरा बाबू, मेरी मम्मी भी जा रही हैं साथ में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम, जय श्री कृष्णा। चलिए वीर बजरंग बली जी के दर्शन करते हैं, बालाजी महाराज जी के दर्शन करते हैं। यहाँ पे बालाजी भी बहुत ही सच्चे हैं, ये देखिए हनुमान जी भी यहाँ पे बहुत ही सच्चे हैं, इनसे जो कुछ भी आप मांगेंगे जरूर पूरा होता है। तो कभी भी मंदिर आइए तो इनके भी दर्शन जरूर करिए, आपकी सारी मनोकामनाएं जरूर पूरी होंगी। जय श्री राम। दर्शन करने के बाद में मंदिर की परिक्रमा लगाते हैं और राम से जैसे राम लिखते हैं वही मैं लिख रही थी। और ये है यहाँ पे पीपल का वृक्ष, इसकी मम्मी पूजा कर रही हैं, मैं भी अब इसकी पूजा करूँगी और इसकी परिक्रमा करूँगी। ये मेरे दीदी का बेटा भी पैर छू रहा है, इसको छुआ रही हूँ मैं पैर। यहाँ पे औरतें सब अपने ढोलक बजा रही हैं, संगीत कर रही हैं, सब आज यहाँ पे आती हैं, ढोलक बजाती हैं, औरतें अपना भजन कीर्तन करती हैं। बहुत ही अच्छा वातावरण, कितना सुंदर लग रहा है, देखिए कितना प्यारा लग रहा है। सुनिए इन लोगों के भजन। बहुत ही अच्छा लगता है, कभी भी किसी भी मंदिर जाओ
फिर वहाँ से आने का मन नहीं होता। मैं तो आती हूँ, बैठती हूँ, घूमती हूँ। ये देखो बाबू को प्रसाद दिया, एक अंकल जी ने प्रसाद खा रहा है। और लो खा लो, लो और खा लो बाबू, लो खा लो। प्रसाद है, ऐसा खाओगे? ऊपर क्या है? ऊपर घंटी है, घंटी बजाओगे जाके? का घंटी बजाओगे? बोलो लैया खा रहा। अब थोड़ा बच्चों के साथ मस्ती कर लेते हैं। एक छोटी सी गुड़िया थी, उसके साथ वो बाबू को खिलवाती हूँ मैं थोड़ा सा, बट वो नहीं खेल रही, खेलेगी वो शर्मा रही है। बाबू भी उसके पास नहीं खेलने, वो तो मुझसे कह रहे घंटा बजाओ। सो गाइस, बताइए आप लोगों को कैसी लगी ये वीडियो, आप लोगों को दर्शन कैसे कैसे लगे भोलेनाथ जी के। सो गाइस, अगर जो आप नहीं आए हैं तो आइए, लखीमपुर और गुरुपुरानंद मंदिर मेला मैदान में है, जरूर। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू सो मच। आप लोग ऐसे ही मुझे सपोर्ट करिए, मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही नई नई जगहों के दर्शन कराऊंगी, नए नए मंदिरों के दर्शन कराऊंगी, आपको घुमाऊंगी। प्लीज़ सपोर्ट मी, थैंक यू सो मच।